सो ऑल द बसेस आर कनेक्टेड टू द गूगल मैप्स। जो बसेस की लोकेशन है वो एज लो एज 1 मिनट के डिफरेंस तक भी आप ट्रैक कर सकते हैं। जो कैनेडियन बसेस हैं वो गूगल मैप से बिल्कुल इंटीग्रेटेड है। तो व्हेन यू सर्च फॉर अ प्लेस एंड आप बसेस कैटेगरी में जाते हैं, तो यू कैन सर्च फॉर किस टाइम आएगी, किस टाइम नेक्स्ट बस आएगी, किस लोकेशन पे आएगी, कितने बजे आएगी और कितने स्टॉप्स पे आप कितने टाइम तक पहुंचेंगे। एज प्रिसाइज एज दैट कि आपको अगर वो 12:04 बोल रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स 12:05 तक ही वो बस आएगी। सो हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे उन 10 डिफरेंसेस के बारे में बिटवीन इंडियन ट्रांजिट सर्विसेज एंड कैनेडियन ट्रांजिट सर्विसेज, एंड स्पेशली आज हम बात करेंगे बसेस के बारे में। नाउ यू नो विच बस टू टेक, बट अब बात करते हैं बस स्टेशन के बारे में। तो अनलाइक इंडिया जहां पर हर चीज के लिए एक स्टेशन या एक बूथ बना होता है, कैनेडा में देर कैन ओनली बी अ पोल स्टेटिंग एक बोर्ड लगा होगा जिस पर जो आने वाली बस है उसका नंबर लिखा होगा, या जो प्रॉपर बूथ होता है वो तो है ही। तो आप डर मत जाइएगा कि आप एक प्रॉपर स्टेशन पे गए हैं एंड वहां पर कोई आपको बूथ दिख ही नहीं रहा है। सो नाउ अब आप एक बूथ के अंदर बैठे हैं थिंकिंग जस्ट लाइक इंडिया द बस ड्राइवर विल सी अस एंड स्टॉप, बट इन कैनेडा आप अपनी बस लूज कर देंगे। दिस हैपन टू मी। आप सबने वो जीवन टेस्ट ऑन्टारियो वाली वीडियो तो देखी है। तो आई वॉज सिटिंग इन द बूथ होपिंग कि बस विल कम एंड वो रुकेगी मेरे लिए, बट जब बस आई तो वो रुकी ही नहीं और वो डायरेक्ट चली गई। तो आई रैन बिहाइंड द बस एंड द बस ड्राइवर स्टॉप्ड बिकॉज दैट पर्टिकुलर बस ओनली कम्स आफ्टर एवरी 45 मिनट्स, एंड व्हेन आई बोर्डेड द बस ही स्कोल्डेड मी सेइंग दैट हमेशा बूथ के बाहर आइए। तो यस, कैनेडा में आपको बूथ के बाहर आके खड़ा होना पड़ेगा, आप बैठे नहीं रह सकते। तो आपने बस बोर्ड तो कर ली है, बट अब आपको टिकट्स खरीदनी है। तो जो मेजर, सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस आता है इंडिया और कनाडा में वो है आपके पेइंग मेथड्स के ऊपर। सो इंडिया में आपके पास मेजरली दो मेथड होते हैं, एक ही होता है वैसे तो कैश, बट जो दूसरा होता है दैट इज अ बस मंथली बस पास बनवा लेते हैं। बट इन कनाडा यू हैव वेरियस ऑप्शंस। यू हैव द क्लासिक कैश मेथड, देन यू हैव योर प्रीपेड टिकट्स जहां पर आप जैसे शॉपर्स ड्रग मार्ट जैसी जगहों पे जाके पहले से प्रीपेड टिकट्स ले सकते हैं, उनको बस स्कैन करना है उनके QR कोड को। देन यू हैव मंथली पासेस, यू हैव प्री लोडेड बस पासेस, यू हैव प्रेस्टो कार्ड्स दैट इज टर्म पासेस। तो आपके पास 4 या 5 ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, कनाडा के अंदर आपको कैसे अपनी टिकट पे करनी है। सो आई लिव्ड इन दिल्ली एंड एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर, मैं वहाँ पर 22 ईयर्स आके आया हूँ, कि डॉग्स एंड बेबी कैरियर्स और साइकिल्स वर नॉट अलाउड ऑन द DTC बसेस। तो द थिंग इज इन कैनेडा यू आर अलाउड टू ब्रिंग बेबी कैरियर्स। आप जो बेबी ट्रॉलीज होती हैं जिनमें मॉमीज वगैरह लेके चलती हैं, यू आर अलाउड टू टेक दम ऑन द बसेस। जो फ्रंट सीट्स होती हैं दे आर फोल्डेबल सीट्स, एंड जिनमें स्पेस क्रिएट करके उनको फोल्ड करके आप बेबी कैरियर रख सकते हैं, एंड दोज सीट्स आर रिजर्व फॉर दोज पीपल। लाइक जो व्हील चेयर्स होती हैं जिनके पास, या जिनके पास डॉग्स होते हैं, दे कैन ब्रिंग दम ऑन द बसेस। एंड इवन साइकिल्स के लिए बस के फ्रंट में रिग्स लगे होते हैं जिन पर आप अपनी साइकिल अटैच करके ट्रैवल कर सकते हैं। सो टिकट बाय करते समय सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है टिकट प्राइस। सो अनलाइक इंडिया जहाँ पर आपके पास डिस्टिंक्ट प्राइजेस होते हैं, लाइक डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टॉप्स, लाइक ₹5, ₹10, ₹15, ₹20, आई थिंक 20 मैक्सिमम होता है, अब मेरे को याद नहीं अब कितना है। तो कनाडा में देर इज़ अ फिक्स प्राइस ऑफ 3.1 कैनेडियन डॉलर्स, एंड उसमें आप जितना मर्जी ट्रैवल करना चाहे आप कर सकते हैं। सो वन ऑफ द शॉकिंग फैक्ट इज नो मल्टीपल टिकट्स आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि अनलाइक इंडिया जहां पर एक बार आपने बस लीव कर दी तो आप अपनी टिकट दोबारा नहीं यूज कर सकते, कनाडा में यू आर अलाउड टू यूज योर टिकट मल्टीपल टाइम्स इन अ 2 आवर स्पैन। तो जब तक आप वो 2 घंटे के अंदर हैं, उस टिकट पर टाइमिंग्स लिखी होती हैं, तो आप अपने टिकट को जितनी मर्जी बसेस के अंदर यूज कर सकते हैं। टिकट के अंदर एक बारकोड होता है जिसको आप स्कैन करते हैं एंड आपकी वैलिडिटी पता चल जाती है, और टाइमिंग्स भी लिखी होती है कि कब से लेके कब तक वैलिड है। बाय द वे, अगर आप सेम बस में, लाइक अगर जिस बस जो आपको छोड़ी गई है उसी बस में आपको वापस भी आना है, तो आपको टिकट खरीदते समय रिटर्न बोलना पड़ेगा बस ड्राइवर को, ताकि वो आपको रिटर्न टिकट असाइन कर सके सेम टिकट के अंदर ही। सो एक और नई चीज़ जो काफ़ी लाइक सरप्राइज करी थी मुझे कनाडा में आने के बाद, कि अनलाइक इंडिया जहां पर बस ड्राइवर हर स्टॉप पे बस को रोकेगा, चाहे जितने मर्जी लोग उतर रहे हो या जितने मर्जी लोग स्टेशन पे बैठे हो, इन कैनेडा यू हैव टू पुल द रोप। यस, जब आप उतरने वाले हैं तो आपको रोप पुल करनी पड़ेगी
बस से उतरने के लिए और स्टॉप रिक्वेस्ट करने के लिए, जैसे ही आप रोप पुल करेंगे, येलो कलर की रोप होती है उसको पुल करेंगे, एक स्टॉप साइन का सिंबल लाइट अप हो जाएगा, जिससे बस ड्राइवर को पता चलेगा कि यस समबडी वॉन्ट्स टू लीव द बस, तो वो नेक्स्ट स्टेशन पे तभी रुकेगा, नहीं तो ही विल कॉन्टिन्यूसली कीप ड्राइविंग एंड पीछे जितने स्टेशन छूट रहे हैं ही विल नॉट स्टॉप. वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग डिफरेंस फॉर मी वॉज देर इज नो कंडक्टर इन द बसेस. जब हम बस पे चढ़ते हैं तो बस ड्राइवर इज द ओनली वन हु विल असाइन यू द टिकट्स. आप बस के बैक्स में, बैक से नहीं चढ़ते हैं लाइक इन इंडिया, आप फ्रंट से ही चढ़ते हैं जहां पर आप बारी बारी करके चढ़ेंगे एंड बस ड्राइवर आपको एक एक करके सबको बस टिकट्स असाइन करेगा. नो मैटर हाउ मच टाइम इट टेक्स, बस ड्राइवर रुका रहेगा एंड जब तक वो खुद सबको टिकट्स असाइन नहीं कर देता तब तक वो बस चालू नहीं करेगा. तो विच इज़ अमेजिंग. लाइक आई नो इंडिया में हम बहुत बार बस में चढ़ जाते हैं देन हम टिकट्स बाय करते हैं या करते ही नहीं है, और कनाडा में बस ड्राइवर विल फर्स्ट गिव यू द टिकट एंड देन लेट यू एंटर इन साइड द बस. तो बहुत डिफरेंस था और काफ़ी शॉकिंग था कि कोई कंडक्टर नहीं है, बस ड्राइवर हिमसेल्फ असाइंस द टिकट. सो द लास्ट थिंग एंड इट्स अ कर्टेसी थिंग एंड आई थिंक इंडिया में भी हमें करना चाहिए कि when we are leaving the bus or we request stop and we are leaving the bus, we say thank you here. So Canada में बहुत से लोग करते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं thank you, but ज़्यादातर लोग बोलते हैं जब वो बस से उतर रहे होते हैं thank you. तो अच्छा लगता है, it feels good for you, it feels good for everyone around you. These are the 10 major differences between Indian transit services and Canadian transit services. So if you want to visit a park full of Christmas lights this winter, you can watch my this video where I went to Jackson Park, which is one of the most popular park in Windsor.